नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। और जितने भी शेयर होल्डर, जितने भी मेरे व्यूवर्स, उनको पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ टाटा पावर जैसी कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना है। और कुछ न्यूज़ निकल के आई है टाटा पावर में, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल न्यूज़ रहेगी। और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कितने शेयर आप लोगों ने टाटा पावर के होल्ड करे हैं, या फिर कितना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। तो बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। आज के दिन शेयर का जो करंट प्राइस देखने के लिए मिला है, 205 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 80 पैसे तक की गिरावट आप लोग को देखने की मिली है। निफ्टी में अच्छी तेजी देखने के बाद भी आप लोग को इस शेयर में आज के दिन गिरावट देखने के लिए मिली है, जिसके चलते आप लोग देख आज के दिन न्यूज़ भी निकल के आ गई है कि शेयर ऑफ टाटा पावर फॉल्स एज निफ्टी गेन। ओके, लेट मी क्लोज दिस। शेयर ऑफ टाटा पावर फॉल एज निफ्टी गेन। निफ्टी तो गेन करा, लेकिन टाटा पावर में आज के दिन गिरावट देखने के मिली। क्यों थी गिरावट, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखा जाए, एक वो जो बिजनेस मार्केट टाइम है, उनमें बताया गया था कि जो टाटा पावर है उसमें आप लोगों को जो बियरिश मोमेंट देखने मिल रही थी, वो थोड़ा सा बियरिश में आप लोगों को ट्रांस बियरिश में मोमेंट कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए मिल जाएगी। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। थोड़ा बहुत आप लोगों का कोई भी शेयर होगा, सिर्फ टाटा पावर ही नहीं, कोई भी शेयर होगा, वो अगर अपसाइड की तरफ मूव करेगा, उसमें आप लोगों को एक बुलिश मोमेंट देखने के लिए मिलेगी। वो थोड़ा बहुत करेक्शन उस शेयर में भी आप लोग को देखने के लिए डेफिनेटली मिल जाएगा। और ये वही करेक्शन अभी आप लोग को टाटा पावर में देखने के लिए मिल रहा है। तो घबराने वाली बात कोई बिल्कुल भी नहीं है इस शेयर में। तो टारगेट क्या निकल के आ रहा है टाटा पावर का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी आप लोग को नीचे की तरफ टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है टाटा पावर का, जो कि रहेगा 195 का। 195 पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर लेगा। पहले भी इसने 195 पर 2 बार सपोर्ट ले चुका है, और हो सकता है इस बार मेजर सपोर्ट भी यहाँ पर ये शेयर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इस शेयर में। और इस सपोर्ट को देखें तो 195 के ऊपर अगर शेयर 195 पर यह सपोर्ट लेता है, तो बहुत ही अच्छा एंट्री के आप लोग को इसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और उसके बाद 195 की अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 212 का। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में एक नई इन्वेस्टर के लिए बनेगी टाटा पावर में। अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप लोग को तो सिर्फ वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। क्योंकि अगर 212 के प्राइस पर ये आप लोग को ब्रेकआउट दिखा देता है, ब्रेकडाउन दिखा देता है, तो मान के चलिए इस शेयर में आप लोग को बहुत ही अच्छी तेजी देखने के लिए मिलेगी। और ये शेयर अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो 260 या 270 तक बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। अब 260 270 तक क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इसके टाटा पावर के रिजल्ट थे, Q3 के रिजल्ट थे, उसमें जो नेट प्रॉफिट लाइकली टू मोर देन डबल, 2877 करोड़, यानी कि जो उसका प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट डबल आप लोग को देखने के लिए मिला है इस Q3 रिजल्ट में। यानी कि टाटा पावर एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ टाटा पावर करेगा। और एक टाइम पे ये शेयर था, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, तो 125 पर 125 पर मैंने आप लोग को इसकी कॉल दी थी कि आप लोग इस टाइम पर ये शेयर लेके चलिए, और 2023 और 2024 तक आप लोग होल्ड करके चलिए। जो जो मेरे साथ वीडियो पर बने रहते हैं, उन लोगों को पता कि इस शेयर में हम लोगों ने कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न करा है। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग नई एंट्री लेना चाहते हैं, तो 195 पर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। मान के चलिए शेयर बहुत ही अच्छा प्राइस पर मिल रहा है 195 पर ये शेयर। और अगर आप लोगों ने मंडे के दिन 195 पर इस शेयर को बाय करते हैं, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 260 से 270 तक का देखने के लिए आप लोग को ये शेयर मिल जाएगा। हालांकि अभी शेयर में तो कोई भी बड़ी तेजी देखने नहीं मिलती, लेकिन अभी आप लोग को थोड़ा सा शेयर में एक धैर्य बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। आप लोग का टाटा पावर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा जल्दी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून। इस वीडियो में मैंने जितना कुछ बताया है वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बताया है, मेरा किसी भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। आप लोग का पैसा आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने रिस्क और अपने एनालिसिस पर इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।